हाय स्टूडेंट्स, दिस इज सिल्की खन्ना एंड हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वाला चैप्टर जो कि हमारा 8th चैप्टर है एनसीईआरटी का, हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री विच इज चैप्टर नंबर 9th ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. ओके, सो इसमें क्या होगा, बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी सारी. छोटा सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, चलो हम समझते हैं. ठीक है, देखो इस पूरे चैप्टर में दो टाइप के एंगल होंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है, वो क्या होता है पहले तो वो समझो, देन विल मूव ऑन टू एग्जांपल नंबर वन. क्या होता है, जैसे कि एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है मान लो. ठीक है, टावर का ये सबसे टॉप पॉइंट है. मैं कहाँ खड़ी हूँ, मैं नीचे खड़ी हूँ यहाँ पर, दिस इज मी और एनी पर्सन, ये कोई मैन है मान लो. ठीक है, ये टावर है, ये टावर का टॉप पॉइंट है. ऑल राइट, मैं यहाँ से खड़ी हुई उस टॉप को देख रही हूँ, टावर के टॉप को. तो ये वाली जो लाइन होगी ना, टॉप यानी टॉप को मैं देख रही हूँ ना, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये उस ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ मैं. एक ये कैसा हो गया, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया. और ये पर्सन है, इससे उस लाइन को ज्वाइन करेंगे तो दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. ये ठीक है. अच्छा, केस स्टडी क्वेश्चंस आएंगे ना इस बार आपके एग्जाम में, तो उन केस स्टडी क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है ऐसा कुछ करके. ठीक है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट से पर्सन तक, ऑब्जर्वर तक, ऑब्जर्वर बोलते हैं उसको, जो लाइन होती है, अगर हम उस लाइन को ज्वाइन करें तो दैट लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. और लाइन ऑफ साइट, उस लाइन ऑफ साइट से हॉरिजॉन्टल लेवल, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है कि बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. आई रिपीट, एंगल ऑफ लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में जो एंगल बनता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. क्या आप कहलाता है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन. ऑल राइट, अब आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, देखो अब जो पर्सन है ना वो यहाँ पर है ऊपर, ये कुछ भी बना हुआ है, ये टावर है या वॉट एवर इट मे बी, यहाँ पर एक पर्सन बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर है या पर्सन या जो भी मैन. ठीक है, और ऑब्जेक्ट यानी स्टोन है, जैसे ग्राउंड पे ये एक स्टोन है, स्टोन ग्राउंड पे पड़ा हुआ है. ठीक है, वो ऑब्जर्वर ऊपर बैठा हुआ उस स्टोन को देख रहा है. तो अगेन अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया ये. ठीक है, और अगर मैं इसको और इसको ज्वाइन कर दूँ तो हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो ऑब्जर्व, ये लाइन ऑफ साइट का जो एंगल होता है, जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो लाइन ऑफ साइट का एंगल होता है वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है. इसी तरह से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ जो लाइन ऑफ साइट का के बीच का जो, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर था और ऑब्जर्वर नीचे था, ऑब्जर्वर नीचे से ऊपर ऑब्जेक्ट को देख रहा है. ठीक है, यहाँ पर होगा एंगल ऑफ एलिवेशन यूज. अगर ऑब्जर्वर ऊपर है, ऊपर से बैठ के वो नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो यहाँ पर यूज होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, सो दिस इज द थ्योरी बिहाइंड दीज टू एंगल्स. ऑल राइट, अब जो हम एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज करेंगे उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन में एंगल ऑफ एलिवेशन यूज होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन भी यूज होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसके लिए क्वेश्चंस कम हैं आपकी बुक में. ठीक है, सो यू बेटर डू प्रैक्टिस फ्रॉम अदर बुक्स ऑल्सो, यू डू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑल्सो. ऑल राइट, चलो, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड. ये रहा मेरा टावर और ये रहा मेरा ग्राउंड. ठीक है, एक टावर है जो कि ग्राउंड पे खड़ा है. From a point on the ground, ground पर किसी भी point, ground के किसी भी point पर, वहाँ से उस point से, which is 15 meter away from the foot of the tower, 15 meter away from the foot of the tower, ये क्या है, foot. The angle of elevation of the top of the tower, tower के top का angle of elevation लेना है कहाँ से, इस point से जो कि 15 meter दूर है
फुट ऑफ द टावर से वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है विच इज गिवन टू बी 60 डिग्री. राइट, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ये हाइट निकालनी है मुझको. ठीक है, हम क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हम कहाँ खड़े हैं, वो पर्सन यानी वो ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है और मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है. इस क्वेश्चन में साफ पता चल रहा है कि टावर के टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखना है. किसको देखना है? टावर के टॉप को. किसको देख रहे हैं हम? टावर के टॉप को. तो टावर का टॉप क्या है? ऑब्जेक्ट. कहाँ से देख रहे हैं? ग्राउंड से देख रहे हैं, नीचे से देख रहे हैं. तो दैट मीन्स क्या यूज होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन. ऑलराइट, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ यही होता है मेन समझने वाला. हमको क्या निकालना है? हाइट ऑफ द टावर. तो ये वाली साइड यूज हो रही है एंड ये वाली साइड यूज हो रही है, क्योंकि ये तो गिवन ही नहीं है, है ना? ये गिवन है और ये निकालनी है. तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज टैन थीटा. तो टैन 60 लगाओ इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी. टैन 60 क्या है? रूट 3. ए बी क्या है? एच, जो कि मुझे निकालना है. और बी सी क्या है? 15. तो एच क्या हो गया? 15 रूट 3 मीटर्स आंसर. ऑल राइट, टुडे आई हैव गिवन यू द इंट्रोडक्शन ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड ऑल्सो हैव एक्सप्लेन्ड एग्जाम्पल नंबर 1. ऑल राइट, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोसीड फर्दर. ऑल राइट, टिल देन बाय बाय.